हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? फ्रेंड, आज मैं लकड़ी बनाने के लिए बैठी हूँ। ये मैंने बनाई हूँ घर में जो मेरे कपड़े बचे हुए थे, जैसे कि बच्चों के कपड़े थे और मेरे कपड़े जो कि ख़राब हो गए थे, जो यूज़ में नहीं आ सकते हैं, जो पहनने के लायक नहीं थे और जो छोटे हो गए थे कपड़े बच्चों के, तो उन कपड़ों से मैंने एक सुंदर सी लकड़ी बना दी। क्योंकि वो कपड़े यूज़ में नहीं आते हैं तो घर में इधर उधर पड़े रहते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो जो घर में बचे हुए फटे पुराने कपड़े थे तो मैंने उनसे एक सुंदर सी लकड़ी बनाई। पहले तो मैंने इसके ऊपर कवर सेर ली, ये दो तीन कपड़ा टुकड़ा था तो मैंने उसे जोड़ करके अच्छी तरीके से पहले ऊपर खोली बना ली, फिर उसके अंदर मैंने कपड़ों को बिछा करके फिर मैंने पलटी कर दी, तो वो मैंने इसमें सूट नहीं कर पाई, मेरे ध्यान से उतर गया, वीडियो बंद रह गई थी। तो मैं अगली बार कभी वीडियो बनाऊंगी तो मैं पूरी तरीके से वीडियो बनाऊंगी। तो ये तो मैंने अंदर डाल दी थी और ऊपर से सिलाई करना भी चालू कर दी थी। तो ये देखिए, ये इतनी बड़ी लगती है और साइड साइड में देखिए मैंने ज्वाइंट भी की हूँ। और ये लगती सिलने में मुझे पूरे 2 दिन लग गए थे। जब भी मुझे टाइम मिलता घर के काम से या जॉब पे से आती, मैं थोड़ा भी टाइम मिलता तो मैं फटाफट इसे लेके बैठ जाती, क्योंकि यार कोई भी काम अधूरा रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिर नवरात्रि थी, नवरात्रि भी चल रही थी तो मैंने ये देखिए, मैंने आलू उबालने जा रही थी मैं, तो ये आलू थोड़े बड़े थे तो मैंने इन्हें बीच में से कट कर ली थी, बीच में से कट करके मैंने उबाल ली थी आलू को। तो यार तीखा तो हम बनाते ही हैं, तो आज मेरा मन था थोड़ा मीठा खाने का तो मैंने सोची मीठा बना लेती हूँ। तो आलू उबालने के बाद में मैंने चम्मच से ही इस तरह से मैश कर ली थी, मैश करके जो आलू थे उससे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मैश कर ली थी। तो मैं तो चम्मच से ही की थी, मेरे पास मैश करने वाला नहीं था, तो मुझे थोड़ा पाँच मिनट लगा मुझे। फिर मैश करने के बाद मैंने गैस पर रख दी थी और मैंने इसमें घी डाल दी, क्योंकि नवरात्रि चल रही थी तो मैंने उपवास रखी थी। तो मैंने सोची आज आलू का ही हलवा बना लेते हैं, आलू की सब्ज़ी तो रोज़ ही खाते हैं, चलो आज ट्राई करते हैं आलू का हलवा बना करके खाते हैं। तो फिर मैंने घी डाल दी थी, घी डाल करके फिर मैंने इसमें शक्कर भी थोड़ा सा डाल दी थी। शक्कर डालने के बाद में फिर अच्छी तरीके से इसे 5 से 10 मिनट तक चलाते हुए ही पकाना है। और ये मैंने फिर से इसमें थोड़ा घी डाली थी, घी हमें कम लगे तो और भी डाल सकते हैं, मैंने तो अंदाज से ही मैं डाल देती हूँ, जिसे भी मुझे समझ में आए, कम लगता है तो मैं अंदाज से डाल देती हूँ। फिर मैं इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए इसे अच्छी तरीके से पकाना है। पहले तो मैंने घी में ही पका ली थी, फिर उसके बाद में मैंने शक्कर डाली थी और थोड़ा टाइम तक इसे इसी तरह से चलाते हुए ही पकाना है। और ये देखिए मैंने शक्कर भी डाल दी थी कि साथ में मतलब गल जाए शक्कर भी, तो मैंने शक्कर डाल दी, अपने अंदाज से मैंने डाली थी, मैंने तो ज़्यादा मीठा नहीं की क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है। और मैंने कुछ भी हलवे में नहीं डाली थी, जैसे काजू बादाम नहीं डाली थी क्योंकि पिंटू मेरा बेटा खाता नहीं है देख करके कुछ भी, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ मीठे, कुछ भी बनाती हूँ तो मैं सिर्फ इसमें शक्कर डाली और घी डाली और कुछ भी मैंने नहीं डाली। और इसे अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट तक चलाते हुए ही इसे पकाना है। और खाने में बहुत ही टेस्टी बना था और इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जो कि मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी चली थी। और फ्रेंड, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो लोग भी न्यू है वीडियो पर तो प्लीज़ आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए तो। सभी को अच्छा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।